पुस्तक धारणी और गणपत महाराज गौरी शंकर सीता राम जी हनुमत बानर राज ध्यान करूं मैं सब देवता गुरुपित माता बारंबार बनो श्री गिरिराज अष्टवेद अनुसार जय हो जगपूत पूजत गिरिराजा ब्रजमंडल देवों के राजा देवनागरी के तुम हो नंदन भक्तों के काटो हो बंधन रूप देख पुलस्तक ललचाए साथा अपने तुमको लाए काशी ले जाना वे चाहे देवार तुम दियो बढ़ाई मुनिवर ने यहाँ दिए बिठाई ऋषिवर फिर प्रयत्न कीना पूर्व टिपिया तुम कह दीना मथुरा द्वापर जन्म लियो वनवारी गोकुल की कर दीनी तैयारी दैत पूछना वहाँ पर मारे वृंदावन फिर आए समारे बाल कृष्ण की कही कहानी गिरवर पूजा करवानी पूजन को सामान मंगाए ब्रजवासी घर घर से लाए नंद गोप मेरे पूजा की भोजन तुमने कर लीनी आप ही पूजने आप ही भजवा में मांग मांग के भोजन खामे स्वयं रूप में कृष्ण बजाए लखी रूप गौप हर्षाए नंद यशोदा मन हर्षाए ब्रजवासी में मंगल गाए पूजन कर पर कम्मा दीनी कर दंडौती स्तुति कीनी पूजा वही जगत ने जानी नारद इंद्र जाए बखानी समाचार सुन क्रोध बढ़ाए मापिल लेके मेघ बढ़ाए वर्षा करो जाए तुम भारी देखूं मैं ग्वाला की होशियारी काले पीले बादल आए ब्रजवासी अच्छे घबराए बाल कृष्ण गिर लियो उठाई बाल गोपिन छाया आई सात दिना भई वर्षा भारी एक बूंद पर्वत उचारी नारद मुनि जब बात बताई तब भई अचंभे तब सुर राई शरण कृष्ण की में तब आए ऐरावत सुरी भेंट चढ़ाए क्षमा करो फिर चूक हमारी जगत पिता तुम हो गिरधारी गिरधर ने अब कर दीना दूध चढ़े तुम पे भारी भोग लगे भर भर के थारी रोरी चंदन फूल छुपाड़ी प्रभु तुम्हारी महिमा है भारी पटका पीत भर लिया प्यारे गोवर्धन है नाम त्यारो करते भक्तन को निस्तारो जो लट तुम्हारे दर्शन पामे मन में से शांति लामे दंडौती पर कम्मा करी बार बार वजन करी रात जागरण करे जो कोई राधा कृष्ण बसे मन सोई पुत्र इच्छा से जो कोई धावे आज्ञाकारी सुत पावे शरण तुम्हारी पूजा ऐसा देव नहीं कहीं दूजा गिर्रा धरण प्रभु तेरी शरण गिर्रा धरण प्रभु तेरी शरण तू क्यों भूल गयो तेने कबहु न कृष्ण कहो पांच बरस का भोला भाला अब तो बीस भयो मकर पच्चीसी माया कारण देश विदेश गयो वृद्ध भयो तब आलस्य उपजो कफनित कंठ रहो सतसंगति कबहु न की तीर्था जन्म लियो ये संसार मतलब कालो भी ऊँचा ठाट रचो कहत कबीर समझ मन मूरख तू क्यों भूल गयो नंद किशोर मिश्रा गोवर्धन ब्रजवासी ब्राह्मण बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका बहुत 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 बढ़िया बहुत
पहले तो आप अपना परिचय दीजिए पंडित जी, नाम बताइए। नंद किशोर मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम पाली बरमान गोवर्धन के निकट जी। तो मंदिर की थोड़ी सी विशेषता बता दीजिए। गिरिराज जी की व्यवस्था ये है, राधे रोज बनते हैं, गिरिराज जी वही आते हैं जिन्हें गिरिराज जी बुलाते हैं जी। गिरिराज भरण प्रभुते ही सर, चारों धामों से निराला बन। तो ये अब यहाँ पे जो ये मंदिर खाटू श्याम बना है, ये वैसे नया बना है, तो कब से बना है? करीब साल भर हो गया। साल भर हो गया, लेकिन अभी भी काम चल रहा है, तो लगभग कितने दिनों में काम इसका कंप्लीट हो जाएगा बाबा जी? इसमें कमेटी है, प्रधान जी है, कमेटी का मंदिर है, प्रधान जी। जी जी, अभी जो पूजा चल रही है यहाँ पे, जो क्या विशेष है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सावन महीना चल रहा है जी, इसमें मेला लगता है। हाँ। तो 3 तारीख को यहाँ पे एकादशी और कीर्तन भी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
चलो भाई हमने कर लिए है दर्शन खाटू श्याम महाराज जी के, और ये हमारा प्रसाद आ गया है, प्रसाद मिला है, और ये इत्र भी मिला है हमें। ओके, तीन चीजें मिलनी होती है, उसमें से हमें दो मिली है भाई। ओके, एक रागी। हाँ जी, एक रागी कौन सा है? बागा। बागा होता है उसको बोल, जो श्याम जी पे कपड़ा पहनाया जाता है उसको बागा बोलते हैं। अच्छा, उसका एक धागा मिलता है, बस वो रह गया हमारा। माला मिल गया हमें, गुलाब मिल गया, प्रसाद मिल गया, इत्र भी मिल गया। ओके, हाँ जी, ये देख सकते हो आप। चलिए, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे मंदिर के बारे में भी। और उन्होंने श्याम बाबा की चालीसा भी पढ़ी, मतलब चालीसा भी सुनाई हमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।